वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं भाई आपका अपने चैनल में। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इग्नू की तरफ से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फॉर्म्स जो है वो वेबसाइट पर आ गए हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। आराम से पहले वीडियो पूरी देखे फिर आप नीचे अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जिसका इग्नू नाम है, उसने अपने पीएचडी प्रोग्राम के 2020 के जुलाई सेशन के फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अपडेट कर दिए हैं और 29 अप्रैल 2020 को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा और 8 मई को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, आप तैयार हो जाइए। बट आप तैयार कब होंगे, आप एलिजिबल हैं या नहीं? तो देखिए, आपने किसी भी सब्जेक्ट पे अगर मास्टर डिग्री ले रखी है जिससे आप पीएचडी करना चाहते हैं, बस शर्त आप ये देख लें कि क्या आपके सब्जेक्ट से इग्नू पीएचडी करा रहा है या नहीं। इसकी लिस्ट में उसमें अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो ही आप पीएचडी कर सकते हैं। एससी एसटी और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन 50% का है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी फी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन फी जो है वो 1000 रुपीज है। बट एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये फीस 800 रुपीज है। द सिलेबस ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन जो 2016 की थी। इसमें आपकी 50% जो आएगा आपका रिसर्च मेथोलॉजी से एंड 50% जो आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आएगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव द टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे एंड द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी जो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के होंगे और कोई किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। बस ये है कि कैंडिडेट हु विल स्कोर 50% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट वो जो है इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। और फिर से 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है एससी एसटी एंड ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है उनके लिए, अगर वो 45% है तो वो शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। फिर आता है अगला चरण, यानी इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी और इंटरव्यू के बाद आपको देनी होगी प्रेजेंटेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 70% का वेटेज रखेगा और जो आपका इंटरव्यू और वाइवा है वो आपका 30% का वेटेज रखेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, एक आइडिया लग गया होगा कि यार इग्नू से पीएचडी जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अगर आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो इसकी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको वीडियो पे जरूर दिखा दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने चैनल पे आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया, इतना सपोर्ट, इतना प्यार करते हो, उन सब बातों के लिए ना आपका तहे दिल से धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के आना क्योंकि सारी टीचिंग जगत की अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच।